नमस्ते दोस्त आर्यन जो मैं कृतिका कटोच के तो दिखाए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मंडी ते विक्रमादित्य ते कांगड़े ते अनंत शर्मा ने भरे नामांकन। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गने अन्य नेता उना गने मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले पिछले 15 महीने च साड़ी सरकार राज्य दे लोकां वास्ते भलाई दे फैसले ले कने अपने काम दे आधार पर लोकां ते वोट मंगा दे। उम्मीद है कि यहां 4 लोकसभा सीटा जितनियां। विक्रमादित्य दे नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला बोले नामांकन दाखिल कर दिए गया है। विक्रमादित्य 2 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल करनी है। सह एक पढ़े लिखे व्यक्ति है जो निमंडी के विकास वास्ते काम करने हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद मंडी के कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह बोले लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ मंडी के विकास वास्ते है। मेरा फोकस सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही रहना है। हरियाणा प्रकरण के बहाने हिमाचल भाजपा पर रोहित ठाकुर ने कसिया तंज। बोले भाजपा ने धनबल ते हिमाचल पर थोपिया चुनाव, हूँ हरियाणा च स्थिर हुई सरकार। लाहौल स्पीति विधानसभा उपचुनाव च भाजपा प्रत्याशी रवि ठाकुर ने भरे नामांकन। इस दौरान उन्हें कन्ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहे। इदे कन्ने देवेंद्र भुट्टो ने कुटलेहड़ भरे नामांकन। किन्नौर जिले में हूँ ट्रैकिंग वास्ते वन विभाग से पहले मंजूरी लेना पौनी है, कहने GPC भी जरूरी है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम से 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी होना है। पंजाब किंग्स कने RCB का मुकाबला। IPL मैच शाम 7 बजे होना है। टॉस कने 7:30 हो जाना मैच शुरू। हिमाचली चेरी की देश के बड़े महानगरों में बड़ी मांग। प्रदेश के बागवानों जो अच्छे रेट मिलने दे उन्होंने चेहरे में पराई मुस्कान। प्रदेश मौसम ने फिर से करवट बदली ली है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 11 से 13 मई तक प्रदेश के सारे जिले में येलो अलर्ट जारी किए गया है। पहाड़ी अंदाज 10 बड़ी खबर दिखने वास्ते तुम दिखते रहे समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।